सोर्स ऑफ इनकम एंड एसेट्स, अगर सोर्स ऑफ इनकम मतलब जो आपका इनकम आ रहा है उसको डिवाइड कीजिए, अगर ये दो से ऊपर है तो आप हाईली अनसक्सेसफुल पर्सन है। आपको अपने खर्चे और आपको अपनी चीजें कंट्रोल करनी है, नहीं करेंगे तो आप लॉस में जाने लगे। क्या क्या करना है उसमें, आपको पहले अपनी लाइबिलिटीज और इनकम ये देखना, दोनों को डिवाइड करना, दो से ज्यादा नहीं होगी, 1.5 भी मेरे को बेटर है तो अच्छी बात है, बट आपका 1.5-1.2 तक है जो भी आपका लाइफ चल जाएगी, 1 है बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे आप 1 से नीचे है तो आप कंजूस, आप अपनी लाइफ में अपने आप की जो रिक्वायरमेंट्स है ना 1 से नीचे मतलब 0.9 तक भी ठीक है चलेगा, बट उससे भी नीचे चला गया इसका मतलब क्या है कि आप पैसा दूसरों के लिए ही कमा रहे हो। क्या रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूँ, किसका, लाइबिलिटीज और इनकम का, जो आपके पास अवेलेबल पैसा आएगा, जो आपकी पैसे की हैसियत और आपकी लाइबिलिटीज, जो मेरे खर्चे हैं और मेरी इनकम, मेरे पास पैसा और मेरे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म खर्चे और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इनकम, दोनों को डिवाइड करना है, लाइबिलिटीज को ऊपर इसको नीचे, ये दो से ऊपर किसी कंडीशन में नहीं, ये दो से ऊपर किसी भी कंडीशन में नहीं करनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड फ्यूचर के आपके जो लायबिलिटीज है उसको एस्टिमेशन में तो अनसर्टेनिटी बहुत है, आपको उसका आप एस्टिमेट बराबर नहीं कर पाएगा ना, मैं आपको सोचेंगे 5 लाख है बहुत आसान है 20 लाख हो जाएगा, मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा सर। और क्या है, हमको और आपको सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि हम लोगों का जो बताओ जो रिटायरमेंट है और जो हम लोगों के जो बच्चों में हमारे रिटायरमेंट के बाद भी हमारे बच्चों की एजुकेशन रहनी है, ये हमारे आपके लिए मैं ये चीज समझता हूँ बहुत जरूरी है, और उसके लिए क्या करना है वो भी मैं तो सोचता हूँ, आप भी हमारे से इक्विवेलेंट है, हम डिस्कस कर सकते हो, आपको पक्का बताऊंगा कि मैं नहीं क्या सोचूंगा, ठीक है, तो वो असेसमेंट आप अपने कीजिए, ठीक, तो सबसे पहले आप अपना असेसमेंट कीजिए, सेल्फ असेसमेंट, किसी को इस पेज पे असेसमेंट कीजिएगा, खुद देखिएगा और अपना असेसमेंट जल्दी किसी को बताइएगा, मतलब एक चीज और मैं बता, मैं भी पूछू मुझे बताने की जरूरत, आप अपने असेसमेंट को देखिए, खुद को करेक्ट कीजिए। सेकेंड, प्लान क्रिएशन, अब मुझे आप आपसे काम जो आया आप उसको जो जैसा फिक्स्ड एसेट वगैरह है जैसा घर होगा उसमें से कोई रिटर्न नहीं आता है, उसमें कैश फ्लो नहीं रहता है, मैं बताऊ घर को घर में कुछ जब आप एसेट कैलकुलेट करते हैं ना तो आप हर ढंग से कैलकुलेट करना है, तो एसेट जब घर कैलकुलेट करेंगे तो लाइबिलिटी में रहना भी कैलकुलेट करेंगे, जब एसेट कैलकुलेट करेंगे तो घर में एसेट ऐसा है कि वो आपको इजीली डिस्पोज भी नहीं कर पाएगा, हाई वैल्यू हो सकता है आपको, तो ही आपको पैसा मिलेगा, नहीं है तो आपको उसमें से कैश फ्लो होता नहीं है, मैं आपको उस डायरेक्शन में भी बात करूंगा, ठीक है, पहले मैंने बोला अपना असेसमेंट कीजिए, ठीक है, असेसमेंट, अगर मेरे पास दो घर हैं या अच्छी खासी बड़ी जमीन है, ठीक है, मेरे सोर्स ऑफ इनकम कम है, मैं कुछ स्पेयर आउट करके उस वक्त स्थिति में क्या होगी, मैं छोटे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, पक्का छोटे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, अगर मेरा कहीं से भी सर्वाइवल नहीं हो रहा होगा तो मैं छोटे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं, मैं आऊंगा उसी रास्ते आऊंगा, ठीक है। फिर प्लान क्रिएशन, आपको अपने गोल्स बनाने हैं जिसमें अननेसेसरी, अब जब आप वो असेसमेंट करोगे ना और अपने लीकेज पॉइंट देखोगे तो अपने आप आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, और इसको करने का बेस्ट तरीका बताऊं क्या, सबसे पहले आप हर एक चीज के लिए बैंक अकाउंट बना लो, एक बैंक अकाउंट बना लो, भले से बाद में एक अकाउंट में पैसे डाल दो लेकिन एक 5 नाम से पैसे सेव कर लो, क्या ये मेरे बुढ़ापे एनपीएस में एक ही बार डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन इतने पैसे मेरे बुढ़ापे का पक्का डालूंगा, 20 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 5 रुपए, जो आपको मन करे, 10,000, 20,000, अपनी श्रद्धा के अनुसार 2 रुपए ही डालना शुरू करो, 2 रुपए तो सब डाल सकते हैं, कोई पैसा नहीं होगा, कितने भी आप कर्जे में हो आप 2 रुपए तो डाल ही सकते, 2 रुपए से ही डालना शुरू करो, जब पैसा यहां रखा होता है ना जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी चीजों को, तब अट्रैक्शन होगा जब आप कुछ करना शुरू करोगे, लीकेज बंद होगी, ये 2 रुपए रिटायरमेंट के, ये 2 रुपए मेरी एजुकेशन के, बच्चों के एजुकेशन के, ये 2 रुपए मेरे घूमने फिरने के, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, या 1 रुपए मेरा घूमने फिरने का, इससे एक फायदा क्या होगा,
आपके पास घूमने फिरने के लिए 50,000 रुपए इकट्ठा हुआ है, 20,000 रुपए इकट्ठा हुआ, आपको क्लियरिटी है कि आपको 20,000 नहीं घूम के आ जाना, अदरवाइज आप घूमने का प्लान कैसे करते हो? साहब जा रहे मनाली, मैं भी इनके साथ चला गया, इनका खर्चा था, इन्होंने भी मेरे साथ खर्चा किया और मैंने भी किया, पता चला मेरा प्लान तो 20,000 की थी, हैसियत मेरी 20,000 की थी, मैंने 20,000 का तो रूम ही बुक कर लिया था। मेरे को क्लियरिटी नहीं थी ना कि मेरे को पिक्चर देखने जाना है, कितने रुपए की पिक्चर देखनी, तो जब आप 2 रुपए इसकी पिक्चर भी फिक्स कर दिया ना मेरे पास 50,000 रुपए या 20,000 रुपए घूमने के, तो आप 20,000 का ही घूमो, हद से हद अगर इंक्रीमेंट होगा तो उसमें 10% का होगा, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो भी, इफ यू आर डिसिप्लिन तो आपका 20,000 से कम है। ये मेरे दान पुण्य के रखने चाहिए, क्योंकि आप नहीं रखोगे ना तो काम नहीं, दान पुण्य का मतलब कोई दोस्त आ गया, किसी ने उधार मांग लिया, कभी आपको किसी के ऊपर दया आ गई, किसी को आपने भूखा देख के होता है ना मन यार भूखा इसको खाना खिला देता हूं, वो सबके मन में आता है, उसके लिए भी रख लो तो उससे आपका ये लिमिट हो जाएगा कि मैं इतने का ही खिलाऊंगा, और जब आप देते हो तो ऊपर वाला भी आपको देता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसमें ज्यादा नहीं करना, लेकिन इसका भी एक अकाउंट बना लो, बुढ़ापे का बना लिया, बीमारी का बना, इमरजेंसी फंड का बना लिया, तो आप ये 4-5 जब अपने कुएं खोल लोगे ना, आपके पास कुछ दिन के बाद देखोगे इन कुओं में पैसे डाल रहे हो, कुएं में पैसा डालने का मतलब क्या है, निकालना नहीं है, जब इसी काम के लिए ये कुएं के जरूरत होगी तब तुम्हारे पास क्या होगा, अकाउंट्स बैंक अकाउंट बोल दिया, उससे क्या होगा आपके पास पैसा आएगा, आप डिसिप्लिन हो जाओगे, आपके पास में डेफिनेटली आएगा। वो स्मार्ट वॉच लगा के बहुत सारे लोग पतले हो गए, मजाक नहीं कर रहा हूं, आशीष कुमार स्मार्ट वॉच खरीदी, लगा के 10,000 स्टेप होने चाहिए, वो 10,000 मेंटेन करने के लिए वेट उसका कम हो रहा, तो मॉनिटरिंग करिए और इसकी इसमें डालना ही है, एक डिसिप्लिन है इसमें मुझे डालना ही, अपने बच्चों को एक गुल्लक दे दूंगी तो उसमें 1 रुपया बचाएगा, 2 रुपये महीने के अंत में तेरे जितने पैसे बचाएंगे ना वो मुझे बता देगा, और वो खा करके उसके नाम से बैंक में डालना शुरू करेगा तो बाद में ठीक रहेगा। ये तो बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस करता है, एप्पल का मोबाइल मांगता है, ये करता है वो करता है, कुछ नहीं करेगा, उसे जो जरूरत होगी वही करेगा। आप एक गुल्लक खरीद के दे दीजिए उसमें उसको पैसा डालना शुरू करेगा, और भाई भाई है तो कंपटीशन करा दे किसके ज्यादा, फिर आपकी पॉकेट में निकाल के डाल देगा उसको, ठीक है। तो एक प्लान क्रिएशन कीजिए, उस प्लान में किस तरीके से आपको गोल क्या है, प्लान क्या है, ठीक है, फिर उसका एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो उसका एग्जीक्यूशन कीजिए और सारे सबके, ठीक है, सारे